हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और वेलकम करते हैं हम आपका टेलीप्राइम कोर्स में। और ये टेलीप्राइम कोर्स का लेसन नंबर 3 है। लेसन नंबर 1 और 2 के अंदर हमने आपको डाउनलोड करना सिखाया था, फिर कंपनी कैसे बनती है, कैसे उसको अल्टरेशन करना है, कैसे उसको डिलीट सेट करना, सेलेक्ट करना, ये सब हम सिखा चुके हैं। अब आती है बात टैली के अंदर एंट्री करने के लिए। टैली के अंदर या टैली प्राइम के अंदर एंट्री करने से पहले हमें अकाउंटिंग का पता होना चाहिए। तो इस वाले लेसन में हम आपको अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अकाउंटिंग टॉपिक है बहुत ही लेंथी और बहुत ही लंबा है, तो इसको आपको डीप से समझना पड़ेगा यदि आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हो। इस 1 घंटे की जो या आधे घंटे की जो मेरी क्लास होगी, इसमें आप पूरी तरह से अकाउंट शायद ना समझ पाओ। अगर आप कंप्लीटली डिटेल लेना चाहो तो इसके ऊपर पर्टिकुलर कोर्स बना हुआ है, जिसको आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट फाइंड करके अकाउंटेंसी के नाम से फाइंड कर सकते हो, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कंप्लीट अकाउंट कोर्स का, तो वहाँ पर आप जाके कंप्लीट नॉलेज ले सकते हो। लेकिन फिर भी इतनी नॉलेज हम आपको इस वीडियो में जरूर दे देंगे कि आप टैली प्राइम में या किसी टैली में आप एंट्री नॉर्मल कर सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग का मतलब होता है जो भी व्यापार, कोई भी एक बिजनेस है, उसमें हो रही ट्रांजैक्शन, हो रहे लेन देन को रिकॉर्ड रखना अकाउंट कहलाता है। मतलब मेरे व्यापार में जो भी लेन देन हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, यदि मैं उनको किसी कॉपी के अंदर, किसी रजिस्टर के अंदर, किसी कंप्यूटर के अंदर, किसी मोबाइल के अंदर, किसी भी ढंग से लिख रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेखांकन कर रहा हूँ, तो उसे हम अकाउंट कहते हैं। लेकिन अकाउंट के हिसाब से अकाउंट की एक खुद की लाइन होती है, जिसको हमें 1 बाय 1 समझना पड़ेगा। आप अपने व्यापार में किस ढंग से आप इसको यूज़ करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो, मेरे को तो अकाउंट की नॉलेज ही नहीं है, मुझे बताया जाए कि किस प्रकार कैसे एंट्री की जाती है, तो इसके लिए आपको ये वाली वीडियो जरूर देखनी होगी। तो अकाउंटेंसी जो है, अकाउंट यानी ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना सिखाया जाता है इसके अंदर, कि भी एक ट्रांजैक्शन बोली जाएगी, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो, आप एक लर्नर हो, आप एक बिगनर हो, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, मैं उस तरीके से समझा रहा हूँ। देखो होता क्या है, कोई एक ट्रांजैक्शन होगी, मुझे भी नहीं पता कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, मतलब पेड कैश टू रवि, पेड कैश टू सोहन, रिसीव कैश फ्रॉम सीमा, या सामान बेच दिया, सामान खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, ये एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसको हमें रिकॉर्ड करने के लिए, एंट्री करने के लिए कुछ रूल्स का आना जरूरी है और पता होना चाहिए कि एंट्री कैसे होती है। देखो अकाउंटेंसी में सबसे पहले आपको जर्नल आना चाहिए। जर्नल से आप लेजर सीख पाओगे, और जर्नल से ही आप कैशबुक सीख पाओगे, और तभी आप ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ले सकते हो। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, मान लो आपने एक ट्रांजैक्शन करनी है, एक ट्रांजैक्शन आपको बोली गई है पेड कैश टू रवि या समथिंग, करना क्या है, इसको 2 भागों में बांटना है आपने, डेबिट और क्रेडिट। यदि आपको डेबिट और क्रेडिट बांटना आ गया, समझ लो आपको अकाउंट आ गया। लेकिन बांटे कैसे, होता क्या है अक्सर, देखो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, और लिखा जाएगा अकाउंट और डेबिट, यहाँ पर अमाउंट आएगी, क्या आएगी, वो एंट्री के अंदर होगी, और यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर डैश होगा, और यहाँ पर अकाउंट होगा, यहाँ पर क्रेडिट होगा, और यहाँ पर एक अमाउंट आएगी। ये अमाउंट सेम रहती है, मतलब ये इस एंट्री को इस फॉर्मेट में डिवाइड करना है, डेबिट और क्रेडिट में हमने डिवाइड करना है। तो हमें फाइंड करना यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा। देखो तुक्का नहीं मार सकते हम, तुक्का नहीं चलता अकाउंट में, पर्टिकुलरली हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हमने करना है और क्या करना है। अगर आप सही से नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको बता दूँ सही तरीके से, एक एंट्री में लिख ही देता हूँ, पेड कैश टू रवि 10,000, 10,000 रुपये हमने रवि को पे कर रहे हैं, ये एक ट्रांजैक्शन है। तो होगा क्या, यहाँ पर 10,000 आएगा और यहाँ पर 10,000, ये जर्नल सिखा रहा मैं आपको, लेकिन यहाँ क्या आएगा। अब यहाँ पर कैश की और रवि की बात हो रही है, अब या तो यहाँ रवि आएगा या यहाँ रवि आएगा, या यहाँ कैसा आएगा या यहाँ कैसा आएगा, तो कैसे पता करेंगे, इसके लिए रूल होते हैं। अब मैं आपको देखो हर एक एंट्री को सोल्व करने के लिए रूल दिए गए हैं, जब आपको रूल आएंगे तो ही आप एंट्री सोल्व कर पाओगे, यदि रूल नहीं आएंगे तो आप एंट्री नहीं सोल्व कर पाओगे। फिलहाल के लिए बता दूँ, यहाँ पर रवि आएगा और यहाँ पर कैश आएगा,
लेकिन क्यों ऊपर रवि आया और क्यों नीचे कैस आया, इस क्यों के बारे में हमें नॉलेज लेनी है। तो इसके लिए हमें कुछ रूल पता होने चाहिए। तो अब हम अकाउंटिंग के रूल कराएंगे आपको कि अकाउंटिंग के अंदर या अकाउंट में कौन कौन से रूल होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग मुख्यतः तीन प्रकार के अकाउंट पे निर्भर होती है। अभी अकाउंट क्या होता है, एक कैटेगरी होती है, इनके अकॉर्डिंग हम एंट्री को विभाजन करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। आप समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो अकाउंट है वो पर्सनल, पर्सनल। सेकंड है रियल और थर्ड है नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब ये क्या होता है, ये एक ट्रांजैक्शन के विभाजन है, यानी कोई ट्रांजैक्शन बोली गई है वो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा रियल की है, पर्सनल की है, नॉमिनल की है। फॉर एग्जांपल मैं पहले बता देता हूँ ये होते क्या है। अब हमें कैसे पता लगेगा जो ये लाइन बोली गई है या जो ट्रांजैक्शन बोली गई है वो पर्सनल की है, रियल की है, नॉमिनल की है। यदि वो ट्रांजैक्शन पर्सनल की होगी तो उसके अंदर किसी व्यक्ति का, किसी फर्म का, किसी कंपनी का जिक्र होगा। पर्सनल अकाउंट में होगा क्या, पर्सनल अकाउंट में होगा क्या, एक तो कैश होगा और दूसरा कोई पर्सन, किसी पर्सन का नाम होगा या कोई फर्म या कोई कंपनी का नाम होगा। कैश के साथ किसी व्यक्ति का, किसी फर्म का, किसी कंपनी का नाम हो वो एंट्री पर्सनल की मानी जाती है, जिसमें या तो कैश आ रहा होगा या कैश जा रहा होगा। ऐसी कंडीशन में हम उस एंट्री को पर्सनल अकाउंट मानते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बोला था पेड कैश टू रवि, तो यहाँ पर कैश और रवि की बात हो रही है, तो यानी ये वाली एंट्री पर्सनल की है। अब बात करते हैं रियल। रियल अकाउंट में हमेशा कुछ चीज परचेज और सेल करने की बात हो रही होती है हमेशा। इसमें क्या होगा, एक चीज जा रही होती है तो दूसरी चीज आ रही होती है, मतलब कोई वस्तु जाती है और दूसरी आती है, मतलब पैसा जाएगा और परचेज आएगी या पैसा आएगा सेल जाएगी, ऐसा कुछ होता है। हाँ, उधार की एंट्री होती है लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ आ तो रहा होता है। ठीक है, इसमें एक वस्तु आती है, चाहे वो सेल हो या परचेज हो या कोई एसेट्स हो। ठीक है, ज़्यादातर इसके अंदर परचेज की बात होती है या सेल की बात होती है, चाहे वो आपकी एसेट्स हो या आपकी कोई परचेज या सेल हो। फॉर एग्जाम्पल परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद सामान खरीदा, तो अगर ऐसी कोई एंट्री है तो वो रियल की है। परचेज फर्नीचर, परचेज मशीनरी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अगर इस प्रकार की ट्रांजैक्शन आ रही है तो ये है रियल की। अब बात कर लेते हैं नॉमिनल की। नॉमिनल में क्या होता है, नॉमिनल में हमेशा एक्सपेंस और इनकम की बात होगी। किसकी बात होगी, एक्सपेंस और इनकम की बात होगी। अगर आपको एक्सपेंस और इनकम किसी एंट्री के अंदर मिल रहा है उस एंट्री को हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर काउंट करते हैं। अब एक्सपेंस क्या होता है, देखो एक्सपेंस जैसे वेजेज, रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस समथिंग, तो ये जो होते हैं ये एक्सपेंस होता है। इनकम क्या होता है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, इनको हम बोलते हैं इनकम। अगर आपकी ट्रांजेक्शन के अंदर कोई एक्सपेंस पे कर रहे हो आप तो उसे हम नॉमिनल बोलेंगे, या आप कोई कमीशन या कोई इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो हम उसे नॉमिनल अकाउंट में काउंट करेंगे। लेकिन ये तो मैंने अभी बताई आपको पहचान, अभी तो सिर्फ मैंने आपको पहचान बताई है कि भाई ये आपको सबसे पहले पहचानना है ट्रांजैक्शन को, उसके बाद इसकी एंट्री करनी है। चलो ठीक है, मुझे पता लग गया कि एंट्री में ये परचेज की है, ये रियल की है, ये नॉमिनल की है, अब आगे कैसे एंट्री होगी। आगे एंट्री करने के लिए इन तीनों के हमें रूल पता होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं पर्सनल का रूल क्या है। पर्सनल का रूल है जो है, पर्सनल का रूल बता रहा हूँ आपको, इसमें होगा डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट दी रिसीवर, और क्रेडिट दी गिवर, यानी जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा। रिसीवर का मतलब क्या है, जैसे पेड कैश टू रवि, तो यहां पर रवि को पैसे दिए हैं, रवि रिसीवर है, रवि को पैसे मिल रहे हैं, तो यहां पर जो रिसीवर होगा उसको हम डेबिट करेंगे, जो गिवर होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे।
इसका मैं एग्जांपल बोल देता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था, पेड कैश टू रवि 10,000, यही था ना। तो यहाँ पर रवि को पैसे दिए हैं, रवि को पैसे दिए हैं, तो रवि जो है मुझे ये बताओ रिसीवर है या गिवर है। भाई रवि को पैसे मिले हैं तो रवि जो है रिसीवर है, देने वाला कौन है फिर? देने वाले हम हैं। कौन है? बिजनेस में यानी हम जो है कैश की जगह हम आता है। अगर मान लो ऐसी कहीं बात आ रही है, ले कौन रहा है भाई, दे कौन रहा है, मतलब रवि को तो पैसे दिए, किसने दिए? हमने दिए ना। तो यानी जो हम होता है ना, हम इक्वल होता है कैश। अगर जहां पर बात हो रही है ना, किसने दिए? हमने दिए, तो हम इक्वल टू कैश, तो वहां पर कैश आएगा। और गिवर में जैसे किसको प्राप्त हुए? रिसीवर। किसको मिले? हमें मिले, तो वहां पर कैश आएगा। देखो इस एंट्री के अंदर कैश और रवि की बात हो रही है, या तो कैश डेबिट होएगा या रवि डेबिट होएगा। तो यहां पर रवि जो है रिसीवर है, कैश जो है गिवर है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? मैं यहां पर इरेज करके बना देता हूं। तो इसकी एंट्री बनेगी रवि अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। तो ये एंट्री बनेगी पर्सनल की। अब यहां तो पैसे पे कर रहे थे, अगर ऐसा हो कि हमें पैसे मिल रहे हैं, कैश रिसीव फ्रॉम एक्स वाई जेड, अगर ऐसा कुछ हो, कैश रिसीव फ्रॉम अमित, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, कैश रिसीव फ्रॉम अमित, अमित से पैसे प्राप्त हुए, किसको प्राप्त हुए? हमें। कौन दे रहा है? अमित दे रहा है। तो गिवर क्या होगा? क्रेडिट। और रिसीवर क्या होगा? डेबिट। तो हम जो है रिसीवर है, हम की जगह आता है कैश, कैश अकाउंट डेबिट 10,000। फॉर एग्जाम्पल 10,000 हमें मिले हैं, किससे मिले हैं? टू अमित, अमित अकाउंट क्रेडिट 10,000। तो ये मैंने पर्सनल की एक एंट्री कराई आपको, ट्रांजैक्शन कराई। अब बात कर लेते हैं रियल की। रियल में मैंने कहा कि कुछ चीज़ बेची जाती है या कुछ चीज़ खरीदी जाती है। तो इसमें पहले तो आपको पहचान होनी चाहिए ट्रांजैक्शन की, कि भाई ये एंट्री जो है परचेज की है, या ये एंट्री जो है सेल की है, ये एंट्री पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो देखो इसका रियल का मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद सामान खरीदा है। तो यहां पर परचेज की बात हो रही है। मैंने कहा था जब परचेज की बात होती है ना तो रियल अकाउंट होता है, तो ठीक है। तो इसका रूल क्या होगा? डेबिट, वही डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट्स यहां लिखेंगे आप, व्हाट कम इन, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां पर देखो जो चीज आएगी, जो चीज आएगी उसको क्या करेंगे हम? डेबिट। जो चीज जाएगी उसको करेंगे क्रेडिट। फॉर एग्जांपल मैं पेन खरीद के लेके आया हूँ, 20 रुपये में दे के आया, पेन लेके आया, क्या आया मेरे पास? पेन आया। गया क्या? कैश गई। जो चीज़ आएगा उसको डेबिट करेंगे, फिलहाल ये परचेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर परचेज जो होगी वो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। और यहाँ पर कैश क्या हो जाएगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000। ठीक है, परचेज डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि व्हाट्स कम इन, जो चीज आएगी, अभी मैंने रूल लिखा था, जो चीज आएगी उसको डेबिट करेंगे, जो चीज जाएगी उसे क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसी ही एंट्री सेल की हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक एंट्री लिख देता हूं मैं सेल की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000।
नगद सामान हमने बेच दिया है 30,000 रुपये का, मैं सामान बेचूंगा नगद में तो मुझे पैसे प्राप्त होंगे, पैसे आए सामान गया, जो चीज़ आएगी उसको डेबिट और जो चीज़ आएगी वो क्रेडिट रियल अकाउंट। तो मेरे पास कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल अकाउंट क्रेडिट 30,000। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि परचेज गुड्स फॉर कैश, भाई जो चीज़ आएगी उसको डेबिट और जो चीज़ जाएगी वो क्रेडिट, लेकिन हमारे पास तो गुड्स आया है, गुड्स आता है ना, तो देखो गुड्स जो है, गुड्स गुड्स एक व्यापारिक वर्ड है, यानी इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते भाई कैश अकाउंट डेबिट गुड्स अकाउंट क्रेडिट, गया तो गुड्स है ना और आया भी गुड्स होता है, तो हम ऐसा नहीं लिख सकते गुड्स अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। गुड्स जो है उसकी या उसके दो पार्ट हैं, परचेज और सेल, या तो वो परचेज होगी या वो सेल होगी, मतलब जो गुड्स है या तो आप परचेज लिखोगे या आप सेल लिखोगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं लिख सकते गुड्स को, तो इसलिए हम यहाँ पर सेल और पिछली एंट्री में मैंने आपको परचेज दिखाया था। तो ये था हमारा रियल। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम नॉमिनल अकाउंट की पहचान करना सीखते हैं कि जिस एंट्री के अंदर एक्सपेंस और इनकम की बात होगी उसे हम नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल पेड सैलरी टू रवि, फॉर कैश लिखने की जरूरत नहीं है, 20,000 पेड सैलरी टू रवि 20,000, रवि को सैलरी पे की है। अब ऐसा लग रहा होगा शायद ये पर्सनल अकाउंट है क्योंकि रवि के पास पैसे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सैलरी वर्ड आ गया है। क्या वर्ड आ गया? सैलरी, वेजेज, कोई एडवर्टाइजमेंट, समथिंग, किसी ना किसी व्यक्ति को तो पे करेंगे, कई बार क्या है नाम भी नहीं होता सिर्फ सैलरी होता। अब यहाँ पर देखो तीन चीज़ें हैं, यहाँ पर सैलरी, रवि और कैश, कैश भी है, लिखना जरूरी नहीं होता। देखो सैलरी जो होती है वो हमेशा कैश में ही दी जाती है, हाँ वो अलग बात है कि बैंक और चेक से भी दे सकते हैं हम, लेकिन सैलरी को आप उधार में नहीं लिख सकते। अभी रियल अकाउंट में मैंने आपको उधार की एंट्री भी करानी थी। तो यहाँ पर रवि जो है पैसे प्राप्त कर रहा है लेकिन वो सैलरी के प्राप्त कर रहा है, ये जो है पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या रहेगा? वही डेबिट और क्रेडिट। और डेबिट क्या होगा? इसमें होता है डेबिट दे ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, मेरी राइटिंग ऐसी है थोड़ा समझ लेना, डेबिट दे ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट दे ऑल इनकम एंड गेन, गेन होता है प्रॉफिट। देखो इस बात को समझाता हूँ भाई, डेबिट हम उस चीज़ को करेंगे जो हमारे एक्सपेंस होंगे, जो लॉस होंगे, अगर कहीं पर एक्सपेंस और लॉस की बात हो रही होगी तो उसको डेबिट में लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। अगर कहीं पर इनकम और गेन की बात हो रही होगी उसे हम क्रेडिट में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सैलरी, सैलरी जो एक्सपेंस है, वेजिज, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये क्या है आपके एक्सपेंस है। इनकम क्या होती है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे इंटरेस्ट रिसीव और कमीशन रिसीव, इनको हम इनकम बोलते हैं। अब फिलहाल के लिए पेड सैलरी टू रवि, रवि को जो है सैलरी आपने पे की है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो इसकी एंट्री देखते हैं, तो इसकी एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है और एक्सपेंस को करते हैं डेबिट हम, तो यहां लिखा जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू, टू में क्या लिखें? अब जो इनकम है वो कैश, मतलब क्रेडिट जो है, देखो ऊपर वाले में जो चीज़ आती है, जो चीज़ जाती है उसको हम डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमें एक बात को समझना होगा कि सैलरी जो है वो कैश में ही दी जाती है, तो इसलिए क्रेडिट में कैश आएगा, और जो इनडायरेक्ट इनकम है वो कैश में या बैंक में ही प्राप्त होती है, इसलिए डेबिट में कैश आएगा। कैसे, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर पेड सैलरी, और पेड सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000,
ये बनेगी इसकी एंट्री। अगर यहाँ पर सैलरी की जगह वेजिज हो या रेंट हो या कुछ और एक्सपेंस हो तो उस एक्सपेंस का नाम आएगा, बस यहाँ पर उस एक्सपेंस का नाम आएगा, बाकी यहाँ पर कैश आएगा, यहाँ पर सेम अमाउंट आएगी। ये था नॉमिनल का। एक एग्जांपल और करा देता हूँ, अगर कमीशन रिसीव हुआ हो तो, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ पर हम एक कमीशन प्राप्त कर लेते हैं, रिसीव कमीशन बाय कैश लिख सकते हो 2000। कमीशन जो है प्राप्त हो रहा है आपको 200 रुपये, 2000 रुपये, तो यहाँ पर कमीशन जो है कैश में मिलेगा या बैंक में मिलेगा आपको, तो यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो डेबिट। यहाँ पर थोड़ा रूल वो लग गया रियल वाला, फिलहाल यहाँ पर कमीशन जो क्रेडिट है, कमीशन भाई पैसे आए हैं कैश अकाउंट डेबिट 2000 लेकिन ये पैसे आए कहाँ से हैं, पैसे कहाँ से आए हैं, हमने कोई सामान नहीं बेचा है तो फिर कहाँ से आए हैं, कोई रवि ने नहीं इस पैसे दिए, ये कमीशन क्या है, किसके हैं, टू कमीशन आ जाएगा यहाँ पर, टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट 20,000। तो ये थी हमारी 2000 रियल नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट। अभी मैंने आपको तीनों रूल कराए हैं और तीनों रूल की मैंने आपको एक एक ट्रांजैक्शन करके भी दिखाई है। देखो ये मैं सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ आपको, बेस बना रहा हूँ, यहाँ पर हम जर्नल करना सीखते हैं, इन रूल की सहायता से हम जर्नल की ट्रांजैक्शन करना सीखते हैं। अभी इन्हीं रूल की सहायता से हमें और मैनी मैनी जो है ट्रांजैक्शन करनी होगी, उसके बाद जब धीरे 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 हम अलग अलग एंट्रियाँ करेंगे हमें थोड़ा अकाउंट की नॉलेज हो जाती है। इसके बाद हमें बेसिक टर्म आनी चाहिए। अब देखो यहाँ तो मैंने कुछ आपको दे दिया हिंट, अब उसके बाद देखो मैं पूरा अकाउंट कराने जाऊँ इसमें तो बहुत लंबा लेसन हो जाएगा ये, क्योंकि एक एक बेसिक टर्म करानी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको सारी एंट्रियाँ करानी पड़ेंगी और कम से कम 2-4 आपको एंट्रियाँ भी करानी पड़ेंगी, बड़ी बड़ी लेंथी लेंथी। तो यहाँ पर आपको नॉलेज होनी चाहिए जैसे कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, गुड्स, परचेज, बहुत सारे ऐसे हैं बेसिक टर्म जो आपको आनी चाहिए। इन बेसिक टर्म के आने के बाद आपको एक अच्छी नॉलेज और हो जाती है अकाउंट के बारे में। जब आप वन बाय वन डे बाय डे इनकी एंट्रियां करोगे, इनको आप अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे, तो आप अपने आप को एक अकाउंटेंट फील कर सकते हो। लेकिन जब तक ये नहीं समझ में आती हैं, जब तक आपको रूल नहीं समझ में आते हैं, तो आप अकाउंट नहीं कर पाते हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता, हम ये क्यों सीखें, अब सारा काम तो कंप्यूटर पे होता है। देखो अगर आपको अकाउंटेंसी आती है, अकाउंट आता है, तो आप किसी भी टैली या टैली ERP 9 या टैली प्राइम में बड़ी आसानी से एंट्री कर सकते हो। यदि आप बिना अकाउंट के आप अकाउंटेंट बनने की सोच रहे हो तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। अकाउंट आपको आना चाहिए, अकाउंट आएगा तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन बस एक आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो टैली के अंदर, कि एक वाउचर आ गया आपको, बस उसी की एंट्री करना आ गई आपको। खुद से आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, खुद से आप बैलेंस शीट नहीं मैच कर पाओगे, खुद से आप ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मैनुअल अकाउंट के बाद आती हैं। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले आप कंप्लीट अकाउंट का कोर्स करें, अकाउंट कोर्स करने के बाद फिर आप बड़ी आसानी से टैली प्राइम या टैली किसी में भी एंट्री कर सकते हो। यदि आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप कंप्लीट कोर्स सीख सकते हो। फिर भी मैंने इतनी नॉलेज दे दी है आपको कि आप जर्नल एंट्री या इनको आप समझ सकते हो। थोड़ी सी एक हिंट और दे रहा हूँ, देखो अभी मैंने जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये जर्नल एंट्री करने के लिए बताई थी मैंने आपको। भाई जर्नल आप एंट्री करने सीख जाते हो उनसे, चाहे पर्सनल बताया, रियल बताया, नॉमिनल बताया। अब जर्नल एंट्री करने के बाद, मान लो मुझे जर्नल एंट्री करनी आ गई, जर्नल एंट्री करने के बाद और क्या चीज़ आनी चाहिए, मैनुअल की बात कर रहा हूँ। तो जर्नल एंट्री करने के बाद आपको लेजर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, लेजर आना चाहिए, कैश बुक आना चाहिए, बैलेंस शीट आनी चाहिए, ट्रायल बैलेंस आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना आना चाहिए। लेकिन ये आएगा कब, जब आपको जर्नल आएगी, जर्नल आने के बाद ही आप लेजर कैश बुक और लेजर कैश बुक से ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बनाना सीखोगे। लेजर की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार के लेजर होते हैं, या अभी मैंने हमारे बच्चों का कुछ दिखाया एग्जांपल आपको, सेम टू सेम ऐसे ही कैश बुक होती है, कैश बुक का थोड़ा बस अलग से पेज आ जाते हैं।
उसके बाद आपको बैलेंस शीट मैच करनी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, बहुत सारी चीज़ें आपको निकालनी होती है, तब हम अकाउंटेंसी मान सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत नॉलेज आपके लिए, आप इतना अगर डीपली से गहराई से सीखते हो तो आप एंट्री कर सकते हो टैली प्राइम में, लेकिन प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ये बात ध्यान रखें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक नॉलेज दी हैं अकाउंट के बारे में। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होने वाला है, नेक्स्ट लेसन होने वाला है टैली प्राइम का, उसमें हम आपको ट्रांजैक्शंस करना बताएंगे, ट्रांजैक्शन करने से पहले क्या किया जाता है, कुछ उसकी भी नॉलेज देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।